दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब पांडवों को अपने किए पर बड़ी ग्लानि हुई कि उनके हाथों से ना जाने कितने सगे संबंधियों की हत्या हो गई। उनसे यह घोर अपराध हो गया। उन्होंने सोचा कि अब इसका प्रायश्चित करना चाहिए। वह सभी पांचों भाई अपने पाप का बोझ मन में लेकर भगवान कृष्ण के पास गए। तब उन पांचों भाइयों के मुख को देखकर ही भगवान श्री कृष्ण उनके मन की बात जान गए, लेकिन वह फिर भी उनके मुंह से उनकी समस्या जानना चाहते थे। उन्होंने पांडवों से पूछा कि क्या बात है, आप सब भाइयों के आने का क्या विशेष प्रयोजन है। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से अपने मन की व्यथा बताई। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की सारी बात सुनी। पहले तो वे मुस्कुराए, क्योंकि गीता के उपदेश में ही उन्होंने अर्जुन को जीवन के सच से परिचित करा दिया था। लेकिन पांडवों के बहुत आग्रह करने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उन हत्याओं का प्रायश्चित करने का उपाय बताया। श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों को एक काले रंग का ध्वज और एक काले रंग की गाय दी और उन्होंने कहा कि तुम सभी पांचों भाइयों को इस गाय के पीछे पीछे चलना है। जहाँ जहाँ तक यह गाय जाए वहाँ वहाँ तुम सब उसका अनुसरण करना। चलते चलते जहाँ इस गाय और ध्वज दोनों का रंग काले से सफेद हो जाए उसी स्थान पर रुक जाना। काले रंग की गाय और काले रंग का ध्वज का सफेद होना इस बात का सूचक है कि तुम लोगों पर से पाप की काली छाया हट गई है। इसके बाद तुम सभी पांचों भाई उस स्थान पर रुक कर भगवान शिव की तपस्या करना। यह तपस्या तुम्हें तब तक करनी है जब तक भगवान शिव दर्शन ना दे दें। पांडवों ने पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की बताई गई बातों पर अमल किया। पांडव उस काली गाय और उस काले ध्वज को लेकर चलने लगे। रातों दिन चलते हुए जब वह गुजरात के कोलियात तट पर पहुंचे तो चमत्कार हो गया। उनके आगे चल रही उनकी काली गाय और हाथ के ध्वज का रंग, जो अब तक काला था, सफेद रंग में बदल गया। पांडवों को श्री कृष्ण की बताई बात याद आ गई कि गाय और ध्वज का रंग सफेद होते ही वे सभी पाप से मुक्त हो जाएंगे। पांडवों को अब संतोष हो गया कि उन्हें अपने पापों से मुक्ति मिल गई है। श्री कृष्ण भगवान के कहने के अनुसार पांडवों ने उसी तट पर अपना डेरा डाल दिया। वहीं रुक कर वे सभी पांचों भाई शिव जी की घोर तपस्या करने लगे। जहां उन्हें कई वर्ष बीत गए, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें शिवलिंग के रूप में दर्शन दिए। दोस्तों, आश्चर्य की बात यह थी कि इस स्थान पर पांचों भाइयों के लिए अलग अलग शिवलिंग प्रकट हुआ। पांडव भगवान शिव के शिवलिंग के आगे नतमस्तक हो गए और भगवान शिव से अपने निष्कलंक होने की आशीर्वाद देने की विनती की। भगवान शिव ने पांडवों को निष्कलंक होने का आशीर्वाद दिया। भगवान शिव की कृपा से पांचों भाई पाप से पूरी तरह मुक्त हो गए। इस स्थान पर पांडव निष्कलंक हुए थे, इसीलिए इस मंदिर का नाम निष्कलंक महादेव के मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। महाभारत काल की इस घटना में प्रकट पांच शिवलिंग वाला यह मंदिर गुजरात के भावनगर के कोलियात तट पर स्थित है। दोस्तों, भक्तों को दर्शन के लिए तट से लगभग 3 किलोमीटर अंदर समुद्र में प्रवेश करना होता है, तब वह निष्कलंक महादेव मंदिर तक पहुँच पाते हैं। यह वही चमत्कारिक मंदिर है जहां भगवान शिव प्रकट हुए थे और उन्होंने अपने शरण में आए पांडवों को उनके पापों से मुक्ति दी थी। यह मंदिर अरब सागर में है, जो कभी कभी ज्वार आने पर गुजरात का यह निष्कलंक महादेव मंदिर पानी में डूब जाता है, उस समय इस मंदिर का ध्वज दिखाई देता है। यह भगवान शिव का वेग धाम है जहाँ भक्त अपने कई जन्मों के पापों से मुक्ति पा लेते हैं। महादेव का यह मंदिर समुद्र की गोद में सुशोभित है। दोस्तों, इस मंदिर में भगवान शिव के पांचों शिवलिंग को स्पर्श करने के पश्चात भक्त अपनी दरिद्रता से मुक्त हो जाते हैं। निष्कलंक महादेव के मंदिर में आकर भगवान की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। दोस्तों, इस मंदिर के देवता भक्तों को मुसीबत में भी चट्टान की तरह खड़े रहने का संदेश देते हैं, क्योंकि अरब सागर के जल में स्थापित यह मंदिर सदियों से अड्डे खड़ा है। सागर की तेज लहरें और समय समय पर आने वाला ज्वार इस मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। यह इस मंदिर के देवता देवों के देव महादेव की महिमा है कि उनके प्रताप के कारण ही ज्वार के आने पर मंदिर के पानी में डूब जाने के बाद भी मंदिर में कुछ भी नष्ट नहीं होता। जल में होने के बाद भी यह शिव मंदिर हजारों वर्षों से विद्यमान है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।